नमस्कार, मैं प्रिया, पटना न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पटना की फटाफट 11 खबरों को। इस महीने से चालू हो जाएगी पटना के IGIC की नई 10 मंजिला इमारत। IGIC की नई 10 मंजिली इमारत मरीजों के लिए जल्द ही खुलने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार IGIC की नई 10 मंजिली इमारत अप्रैल से चालू हो सकती है। इसको लेकर ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। नई इमारत के चालू होने से यहां 250 बेड बढ़ जाएंगे। फिलहाल यहां 142 बेड कार्यरत है। यह खबर यकीनन हृदय रोगियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसके शुरू हो जाने से IGIC के पास 392 बेड हो जाएंगे। इसके साथ ही इसके शुरू होने से बिहार के मरीजों को काफी सस्ते में विश्व स्तरीय हृदय रोग का इलाज भी मिलने लगेगा। राजगीर बन रही है दूसरी राजधानी। बिहार की राजधानी वैसे तो पटना है, लेकिन जल्द ही बिहार की दूसरी राजधानी भी बनकर तैयार होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, नालंदा जिले का राजगीर दूसरी राजधानी बनने की तरफ अग्रसर है। पर्यटन नगरी के नाम से मशहूर राजगीर का विकास लगातार हो रहा है, जिसके तहत ही सफारी, नेचर सफारी, इंटरनेशनल कॉन्वेंशन सेंटर निर्माण, घोड़ा कटोरा, पहाड़ी झील, पांडु पोखर और वेणुवन विस्तारीकरण सह सुंदरीकरण, 8 सीटर केबिन रोपवे, नालंदा विश्वविद्यालय का नया भवन और बिहार पुलिस एकेडमी बन जाने के बाद यहां पर निर्माणाधीन स्पोर्ट्स एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने पर जोर है। फिल्म सिटी भी निर्माणाधीन है। इसके बाद ही उम्मीद है कि जल्द ही ये बिहार की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित होगी। पटना गोल्फ क्लब में है सबसे अधिक पेड़। राजधानी पटना स्थित गोल्फ क्लब ने एक मामले में देश भर के राज्यों को पीछे छोड़ने का काम किया है, क्योंकि पटना गोल्फ क्लब देश में पेड़ों के मामले में सबसे आगे निकल गया है। पटना गोल्फ क्लब के कैप्टन रोशन शरण की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार यहाँ परिसर में 20,000 अधिक पेड़ है। पटना गोल्फ क्लब की खासियत यह है कि पेड़ों की संख्या देश के किसी भी गोल्फ कोर्स से ज्यादा है। अभी स्थानीय स्तर पर गिनती हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही आधिकारिक रूप से पेड़ों की गणना होगी। LNJP में हाईटेक पैथ लैब का हुआ उद्घाटन। बीते दिन LNJP यानी कि राजवंशी नगर स्थित LNJP ट्रॉमा सेंटर में हाईटेक लैब का उद्घाटन हुआ, जो कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद किया, जिसके बाद ही अब यहां मरीजों को डीडिमर, IL-6, सीरम फेरेटिन, CBC, LFT, KFT, RBS और ABG समेत 23 तरह के जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, इस लैब में 20,000 रुपए तक के महंगे टेस्ट भी बिल्कुल मुफ्त होंगे। उद्घाटन के बाद ही स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा कि यह एक हाई क्वालिटी लैब होगी, जो स्टेट ऑफ आर्ट हाई एंड लैब के रूप में कार्य करेगी। यानी कि अब से मरीज उच्च तकनीक सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पटना में तेल कारोबारी से लूट लिए 6 लाख रुपए। पटना में अपराधियों का आतंक जारी है। आए दिन पटना में अपराधी कोई न कोई चौंकाने वाली वारदात को अंजाम देते ही रहते हैं। इसी बीच अब पटना के अपराधियों ने बीते दिन तेल व्यवसाय को 6 लाख रुपए का चूना लगाया है। घटना पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र स्थित गढ़ोचक इलाके की है। फतुहा थाना क्षेत्र के देवीचक निवासी तेल कारोबारी दिव्यकांत कुमार बुधवार की देर रात कच्ची दरगाह से तगादा का पैसा लेकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान नदी थाना क्षेत्र के गढ़ोचक के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने पैसे से भरा बैग लूट लिया। इस घटना के बाद इलाके के व्यवसायियों में खौफ का माहौल है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पटना में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन का 1 साल पूरा, इतने नए बसों की हुई घोषणा। राजधानी पटना में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन 1 साल पूरा हो गया है, जो कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही है। परिवहन मंत्री ने इस मौके पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिहार में इलेक्ट्रिक बस के 1 साल का सफर शानदार रहा है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक बसों की सफलता को देखते हुए 25 और नई इलेक्ट्रिक बसें बिहार के विभिन्न जगहों के लिए शुरू की जाएंगी। परिवहन विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 3 मार्च 2021 से अब तक कुल 9.55 लाख 214 यात्रियों ने इससे सफर किया है। तख्त श्री हरि मंदिर जी परिसर में लंगर हॉल के सामने स्थित जर्जर भवन होगा ध्वस्त। तख्त श्री हरि मंदिर जी परिसर में लंगर हॉल के सामने स्थित जर्जर भवन को ध्वस्त किया जाएगा। इसको लेकर नियमायुक्त के द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। गुरुवार को तख्त श्री हरि मंदिर जी प्रबंधक कमेटी के पदधारकों के साथ SDO मुकेश रंजन ने इस बाबत बैठक बुलाई थी। इसमें भवन में रह रहे सेवादार भी शामिल हुए और अपनी बातों को रखा। बैठक में तय किया गया है कि भवन में रह रहे सेवादारों से बात की जाएगी और प्रबंध कमेटी उसे खाली कराए। इसके साथ ही जर्जर भवन को ध्वस्त किया जाएगा। खाटू श्याम के दर्शन के लिए पटना से 250 भक्तों का जत्था रवाना। बीते दिन खाटू श्याम के दर्शन के लिए 250 से ज्यादा भक्तों का जत्था राजधानी पटना से रवाना हुआ। इसको लेकर ही खाटू धाम जाने से पहले श्याम मंडल के भक्तों ने निशान की पूजा की। इसके बाद भजन कीर्तन के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया और विशेष आरती पूजन भी किया गया। निशान भक्तों के जत्थे को अमर अग्रवाल, ओम पोद्दार, नरेंद्र शर्मा, शंकर शर्मा, मनीष मित्तल, रितेश तुलसियान, मनोज अग्रवाल आदि ने विदा किया। आपकी जानकारी
तैयारी के लिए आपको बता दें सभी भक्त खाटों में श्याम बाबा को निशान अर्पित करेंगे। इसके बाद ये सभी झुंझुनू में रानी सती दादी जी और सालासर धाम का दर्शन करेंगे। पीएमसीएच में ही खाली रह गई सबसे अधिक सीटें। पहले राउंड में राज्य कोटे से सरकारी मेडिकल कॉलेज की 1151 MBBS सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू वर्तमान समय में हो चुकी है। पहले राउंड के बाद अब सरकारी कॉलेज में 260 सीट खाली बची है। मिली जानकारी के अनुसार इसमें सबसे अधिक 117 सीटें पीएमसीएच में खाली रह गई हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि पीएमसीएच में सबसे हाई अंक वाले अभ्यर्थी आते हैं। सेंट्रल कोटे से दूसरे प्रदेश के बड़े सरकारी संस्थानों में नामांकन होने के कारण यहां से वो एग्जिट कर जाते हैं, इसके कारण ये सीटें खाली रह गई हैं। पटना में मिले कोरोना के 10 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 41 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं पटना की बात करें तो यहां पर 12 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बिहार में अब एक्टिव मामलों की संख्या 258 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही 1,20,108 सैंपल की जाँच बीते दिन के पिछले 24 घंटे में की गई है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,350 रुपये था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,650 रुपये था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,300 रुपये था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपये प्रति लीटर थे। वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पटना में सबसे बढ़िया घूमने की जगह कौन सी है? अपने जवाब में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। पटना की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।